हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड तो यार आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो आइटम प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत इजी होता है बस आपको उसके लिए इनका लुइज डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ठीक है ना तो देखिए हमारे पास ये SO3 का मॉलिक्यूल है कौन सा मॉलिक्यूल है SO3 का मॉलिक्यूल है हमें इसके ऊपर टोटल फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है है ना ऐसो थ्री टू माइनस का मलिक्यूल है हमें पता करना है कि जो टू माइनस चार्ज है किस किस के ऊपर प्रेजेंट है तो हमें सबका निकालना पड़ेगा कैसे निकालते हैं देखते हैं तो सबसे पहले आपको इनमें इन्हें नंबर देना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर का या नाम दे दीजिए जिससे हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं ये हमारा सेकेंड नंबर वाला हो गया और इसे हम थर्ड नंबर दे देते हैं और ये कौन सा हो गया ये हो गया फोर्थ नंबर वाला ठीक है ना चलिए अब वन वाई वन वन हम इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बोंड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू ठीक है ना तो आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ठीक है ना आप इस फॉर्मूले से किसी भी इनके एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं हम वन बाय वन सब कैलकुलेट करके देखते हैं पहले हम फर्स्ट वाले कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं चलिए बताइए सबसे पहले क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब आपको पता होना चाहिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्या है ये ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है ऑक्सीजन आता है एट नंबर पर ऑक्सीजन आता है एट नंबर पर ठीक है ना तो चलिए इसका मतलब इसमें समेट इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो आपको लिखना है सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिक्स माइनस अब आपको माइनस करना है लोन पेर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वन एक लोन पेयर टू लोन पेयर थ्री लोन पेयर थ्री लोन पेयर हैं और हर लोन पेयर में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है ना फिर माइनस करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन के साथ कितना बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड बना है और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है टू इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है टू इलेक्ट्रॉन से बनता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टू हो जाएंगे ठीक है ना डिवाइडेड बाई टू अब पहले हम डिवाइड करेंगे क्या जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर जाएगा माइनस वन है ना तो मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस वन चार्ज है कितना चार्ज है माइनस वन चार्ज है आप मुझे बताइए ये दोनों ऑक्सीजन हमें देखने में सेम लग रहा है ना देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है यहां भी थ्री लोन पेयर्स हैं यहां भी थ्री लोन पेयर्स हैं वन बॉन्ड वन बॉन्ड मतलब इन दोनों का फॉर्मल चार्ज सेम आएगा आप निकाल कर भी देख सकते हैं बिल्कुल सेम आएगा ठीक है ना तो फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल इसलिए उनका फॉर्मल चार्ज भी सेम रहेगा मतलब तो इस पर भी कितना है इस पर भी माइनस वन इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वन चार्ज प्रेजेंट है अब बात करते हैं इस वाले का थोड़ा डिफरेंट है इसका अपन निकाल लेते हैं तो हम थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पर

कितना आ जाएगा जी जीरो कितना आ जाएगा जीरो मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर जीरो चार्ज प्रेजेंट है कितना चार्ज प्रेजेंट है जीरो चार्ज प्रेजेंट है सल्फर का भी निकाल लेते हैं भाई सल्फर सल्फर कितने मार्क हमने सेकंड नंबरिंग की थी चलिए तो सल्फर कितने नंबर पर आता है सल्फर आता है सिक्सटीन नंबर पर है ना सिक्सटीन नंबर की कंफिग्रेशन करते हैं फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टू सेकेंड शेल में एट और थर्ड शेल में सिक्स हो गए ना सिक्सटीन वेरी गुड अब वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स होते हैं अब माइनस लोन पर इलेक्ट्रॉन कितने लोन पर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं टू लोन पर इलेक्ट्रॉन से तो माइनस टू माइनस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें फोर बॉन्ड लगे हैं कितने बॉन्ड लगे हैं फोर बॉन्ड लगे हुए हैं हम जानते हैं वन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके पास एट बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाई टू टू फोर जट और यह इसका आंसर भी कितना आएगा जीरो आएगा अब देखिए इस पर भी जीरो चार्ज और इस पर भी ज़ीरो चार्ज तो माइनस और माइनस प्लस लेकिन आंसर काम में आता है माइनस टू मतलब इस पूरे इस पूरे मॉलिक्यूल और माइनस टू चार्ज प्रेजेंट जो हम देख सकते हैं तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इस इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कभी अगर डाउट बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए जय हिंद जय जै भारत